सिल्वेस्टर प्रथम। सिल्वेस्टर का जन्म सन 285 रोम में हुआ। संत पापा मार्सेलिनस ने सिल्वेस्टर को पुरोहिताय अभिषेक दिया। सन 314 में सिल्वेस्टर कलीसिया के 33वें संत पापा चुने गए। कलीसिया के इतिहास में वे पहला संत पापा है जिन्होंने कलीसिया को पूरी स्वतंत्रता के साथ अगुवाई की। वे उस पद पर अपने मृत्यु तक बने रहे। कलीसिया के आराधना क्रम के विकास में उन्होंने काफी योगदान दिया। वे सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के उस आदेश के बाद संत पापा चुने गए जिसके बदौलत ईसाइयों को अपने विश्वास के प्रचार खुले आम करने की अनुमति मिली। गिरजाघरों में प्रार्थना एवं मिसा का आयोजन होने लगा। भक्ति से जुलूस निकाले गए। खुले में बाजारों में प्रवचन सुनाए जाने लगे। चौकों पर संतों एवं ईसा मसीह के मूर्तियां खड़े होने लगे। संत सिल्वेस्टर प्रथम के समय गैर ईसाई रोम धीरे धीरे ईसाई देश के रूप में बदलने लगा। उनके समय रोम में कई बड़े महामंदिरों का निर्माण हुआ। संत योहन लातरन का महामंदिर, यरूशलेम के पवित्र क्रूस का महामंदिर इनमें से कुछ उदाहरण है। उस समय शहीदों के कब्र के ऊपर भी मंदिर गिरजाघर बनाए जाने लगे। सिल्वेस्टर प्रथम सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के करीबी दोस्त होने के नाते कलीसिया को काफी सुविधाएं मिली। सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने रोम के धर्माध्यक्ष यानी संत पापा को सभी धर्माध्यक्षों का रहनुमा प्रस्तावित किया और वे खुद कॉन्स्टेंटिनोपल चले गए। 335 31 दिसंबर को संत पापा सिल्वेस्टर प्रथम का देहांत हुआ। संत पापा सिल्वेस्टर प्रथम बेनेडिक्टाइन सदस्यों के संरक्षक संत माने जाते हैं। अपने काबिलियत को प्रभु के लिए समर्पित करते हुए जो भी हालात अनुकूल है उनका फायदा उठाते हुए प्रभु के नाम के प्रचार करना, ये हम सबके लिए एक चुनौती है। हम आज प्रभु से प्रार्थना करें। हम जिस किसी भी जीवन हालात में वहां ईश्वरीय वचन के प्रचार के लिए हम कोशिश करें।